गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइस हियर वी हैव द ऑल न्यू बजाज पल्सर N250 आपके सामने खड़ी है। 2024 का बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल है विद न्यू ग्राफिक्स अपडेट्स एंड मीटर कंसोल, जो कि अब आपको डिजिटल देखने को मिलेगा। फुल डिटेल रिव्यू करने वाले इस वीडियो में, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, इंजन में पॉइंट टॉक वेरिएंट कलर ऑप्शन प्राइसिंग ब्रेकिंग सिस्टम परफॉर्मेंस व्हीकल की कैसी आपको मतलब एक तरीके से कितनी बढ़िया रहने वाली है परफॉर्मेंस, तो भाई राइड में पता चल पाएगा। एंड उसी के बाद अगर बात कर लेंगे भाई इसमें हम लोग इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये 250 सीसी की बाइक आपके लिए कितना बढ़िया रहने वाली है, माइलेज क्या दे देगी, हर एक एक बात डिटेल में करने वाले हैं, वॉक अराउंड लेने वाले हैं, क्या ओवरऑल फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। एंड गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन में छपाने के लिए। वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, बजाज की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए बिल्कुल आप उधर बजाज पा सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह गाइस इसके की से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी टू वेब कीज ऑफर हो जा रही है भाई अपने N250 में, ठीक से की देखने को मिल जा रही है। जैसे ही भाई आप इसको प्लग इन करके ऑन करते हैं तो फ्रंट की DRL आपको ब्लिंक करते हुए दिखेगी, काफ़ी बढ़िया सा LED DRLs मिल जा रहे हैं। रियर का अपना जो टेल लैंप है वो भी आपको लो बीम पे ब्लिंक करता हुआ दिखेगा अगर आप देख पा रहे होंगे तो। बाकी गाइस ये अपना डिजिटल क्लस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो अपडेट हुआ है वो भाई पहले आप देखिए जो अपना ग्राफिक्स फ्रंट हेड पे आ रहा है, टैंक पे आ रहा है, टेल पैनल पे मिल रहा है। एंड सेकंड गाइस यहाँ पे देखेंगे तो अपने को यहाँ पे आपको जो डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जा रहा है इसमें USD Fork सस्पेंशन। सो गाइस ये था भाई इसका अपडेट। कलर ऑप्शन प्राइसिंग वेरिएंट की बात करेंगे तो ये आपको ऑफर होती है भाई सिंगल वेरिएंट डुअल चैनल एबी के साथ, टोटल यहाँ पे आपको 6 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अप्रॉक्स इसकी प्राइस 186,000 तक ये आपको ऑन रोड कॉस्ट करिए, ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंस सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। एंड गाइस अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल अपने पल्सर N250 में मिल जा रही है, काफ़ी बढ़िया सी लुक मिलती है। यहाँ पे आपको लिवर्स मिल जाते हैं ब्लैक कलर के जो कि एडजस्टेबल नहीं है। यहाँ पे आपको मीटर कंसोल फिक्स्ड, यहाँ पे टर्न सिग्नल मिलता है जो कि LED है, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप। एंड काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे आपको ग्राफिक्स मिल जाती है, थोड़ी सी रोबोटिक डिज़ाइन फ्रंट से निकल के इसकी आ जाती है। एंड गाइस यहाँ पे आपको भाई प्रोजेक्टर बेस LED सेटअप में हेडलाइट मिलता है जो कि एडजस्टेबल है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे USD Fork सस्पेंशन मिल जा रहा है, जहाँ पे नॉन फॉक्सर रिफ्लेक्टर स्प्लिट फेंडर मिलता है जो कि फाइबर का है, डुअल चैनल ABS की। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया सा अलॉय व्हील ऑफर हो रहा है। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया सेक्शन का टायर मिलता है अभी हम लोग बात करेंगे। एंड काफ़ी बढ़िया ग्रिपिंग वगैरह भी दिए गई है, कॉर्निंग वगैरह पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं होगा, इजिली आप भाई कॉर्निंग करेंगे, हाई स्पीड में ब्रेकिंग वगैरह भी करेंगे। तो गाइस यहाँ पे वैसे डुअल चैनल ABS आ रहा है, रियर में ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जा रहा है एंड टायर की वजह से परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है भाई। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं फ्रंट के टायर प्रोफाइल एंड ब्रेकिंग सिस्टम की। तो गाइस फ्रंट में अपने को पहले देख लीजिए MRF का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है, 110x70 सेक्शन टायर मिल रहा है, 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। एंड यहाँ पे गाइस आपको 300mm का डिस्क ब्रेक मिल रहा है, डुअल चैनल एबीएस के साथ आता है, फ्रंट में भी रियर में भी क्रेमिका की। यहाँ पे आपको कैलिपर्स देखने को मिल जा रहे हैं, इधर भी आपको मिल जाता है भाई नॉन फॉक्सर रिफ्लेक्टर। बाकी गाइस एक बार अल्ट्रा वाइड में फ्रंट प्रोफाइल इसकी चेकआउट कर लीजिए भाई अपने अपडेटेड N250 की। अब आते हैं भाई इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये भाई इसके ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल। लेफ्ट साइड प्रोफाइल में सबसे पहले अगर हम लोग टैंक को देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा ये पार्ट आपको मेटेलिक मिलता है, ये आपको फाइबर का मिल जाता है। पल्सर की यहाँ पे आपको फॉन्ट मिलेगी 3D है एंड ग्राफिक्स वगैरह आप देख ही पा रहे होंगे। फ्लैक्स व्हील को सपोर्ट करती है, 320 की ब्रांडिंग, USB पोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। मीटर कंसोल स्विचेस की बिल्कुल हम लोग अभी बात करेंगे भाई, काफ़ी बढ़िया सा 250 का यहाँ पे आपको ग्राफिक्स मिल जाता है। नीचे आपको पूरा ब्लैक आउट इंजन मिलेगा, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, स्प्लिट गियर लिवर्स मिल जाते हैं। नीचे अपने को इंजन काउल देखने को मिलेगा, ग्राफिक्स वगैरह साइड स्टैंड डबल स्टैंड भी आपको देखने को मिल जाता है। रियर पैसेंजर के लिए मेटेलिक फुटरेस्ट एंड जैसा सभी स्पोर्ट व्हीकल में चैन कवर होता है वैसे ही आपको मिलेगा प्लास्टिक का। रियर आप देखेंगे तो आपको टायर हगर मिल जा रहा है रियर में, यहाँ पे आपको फ्रंट में USD सस्पेंशन, रियर में अपने को भाई एडजस्टेबल मोनोशॉक अब्सॉर्बर मिल जा रहा है। बाकी गाइस रियर में कोई भी साड़ी गार्ड वगैरह वीमेंस के लिए नहीं आती है। N250 की यहाँ पे ग्राफिक्स स्प्लिट सीट आ जाते हैं, यहाँ पे स्प्लिट गैबरेल हैंडल। और एक बार अल्ट्रा वाइड में प्रॉपर इसकी साइड प्रोफाइल चेकआउट करिए भाई। अभी अब हम लोग चलते हैं भाई इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। सो गाइस ये इसकी ओवरऑल रियर प्रोफाइल, जहाँ पे आपको स्प्लिट गैबरेल हैंडल, LED टेल लैम्प, टिल्ट मिलेगा, टर्न सिग्नल LED, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप, नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर। रियर में अपने को टायर हगर मिलेगा, काफ़ी वाइड टायर मिलता है आप देख पा रहे होंगे भाई स्क्रीन पे। एंड रियर टायर प्रोफाइल ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं तो रियर में गाइज अपने को टायर मिलता है 140x70 सेक्शन का, भी 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। एंड रियर में अपने को भाई जो डिस्क साइज मिल रहा है वो मिल जा रहा है 230mm का। एंड यहाँ पे भी गाइज अपने को ABS देखने को मिल जा रहा है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलता है। एंड उसी के बाद भाई काफ़ी बढ़िया ओवरऑल ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह आपको देखने को मिल जा रहा है, अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी बढ़िया है, यहाँ पे ग्राफिक्स भी देखने को मिलेगा। डुअल बैरल में यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, जिसका साउंड गाइस काफ़ी बढ़िया है, एकदम एक तरीके से बम्पी साउंड आ जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है मेटेलिक फुटरेस, ब्रेक लिवर मिल जाता है, बजाज की ब्रांडिंग प्रॉपर जैसा राइट साइड में आ रहा है वैसा ही लेफ्ट साइड में मिलेगा। 160 की ब्रांडिंग, पल्सर की टेक्स्ट मिल जा रही है। अब बात कर लेते हैं भाई इसके ओवरऑल हम लोग मीटर कंसोल एंड स्विचेस वगैरह की।
जैसे कि अगर आप इसको ऑन करते हैं भाई, कुछ ऐसा ओवरऑल यहाँ पे क्लस्टर मिलेगा जहाँ पे भाई ऊपर टैकोमीटर, रियल टाइम गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर, डिजिटल फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, मोड्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ये ABS यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट का ABS भाई स्विचेबल नहीं है, रियर का ABS अपने को स्विचेबल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भाई इंजन ऑन ऑफ प्रॉपर यहाँ पे आपको इंडिकेशन देखने को मिल जाता है, सेटिंग्स मिल जाएगा। बाकी गाइस टैकोमीटर यहाँ पे आपको ऊपर मिल रहा है एंड ट्रिप मीटर टू दो मिल जाते हैं, ट्रिप एफ आ जाता है। यहाँ पे लोअर प्रेशर इधर देखेंगे भाई, न्यूट्रल, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन चेक लाइट, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल के प्रॉपर इंडिकेशन मिल जाएंगे अपने क्लस्टर पे। एंड अब बात कर लेते हैं भाई, देख रहे तो काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पे हैंडल बार्स आ जा रहा है। स्विचेस को देख रहे हैं तो राइट साइड में भाई इंजन कट ऑफ का स्विच, लाइट का स्विच एंड सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिलेगा। एंड लेफ्ट साइड में आ रहे तो इंडिकेटेड हाई बीम, लो बीम, पास का स्विच मिलेगा। इन्फो बटन, टर्न सिग्नल एंड हॉर्न की स्विच आ जा रही है। एंड गाइस कुछ ऐसी ओवरऑल काफ़ी बम्पी सा अपने को ओवरऑल भाई टैंक वगैरह देखने को मिल जा रहा है अपने पल्सर N250 में। अब बात कर लेते हैं भाई इसके ओवरऑल हम लोग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले इसके इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे गाइस जो आपको इंजन मिल रहा है वो मिल जा रहा है 249 cc सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कोड FI BS6 Phase 2 इंजन, जहाँ पे मैक्स पावर 24.1 BHP की मिली है 8750 RPM पे, 21.5 NM की टॉक मिली 6500 RPM पे। 5 स्पीड मिनिमम ट्रांसमिशन के साथ आ रही है, हालांकि 6 स्पीड रहती तो ज़्यादा ही बढ़िया रहता। अप्रॉक्स माइलेज ये आपको 35 से 36 किलोमीटर पर लीटर तक की दे देगी एंड 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी साथ आ रही थी, 135 किलोमीटर पर आवर तक की गाड़ी आपको टॉप स्पीड दे देगी भाई। बाकी एग्जैक्ट टॉप स्पीड आप यूट्यूब पे देख सकते हैं भाई, बहुत लोगों ने टॉप स्पीड टेस्ट किया है, राइड रिव्यू कर रखा है। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल डायमेंशन की, तो ओवरऑल लेंथ मिलती है भाई आपको 1989 mm की, विड्थ मिलती है 743 mm की, हाइट ओवरऑल 1050 mm की मिलेगी। एंड गाइस व्हीलबेस की बात करेंगे तो 1351 mm की व्हीलबेस मिल जाती है, सीट हाइट 795 mm की मिलेगी, 162 kg तक की कर्व वेट। एंड ग्राउंड क्लियरेंस को देख रहे हैं तो 165 mm की यहाँ पे आपको गाइस ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर हो रही है पल्सर N250 में। अप्रॉक्स गाइस ये आपको 1,86,000 तक ऑनरोड कॉस्ट करेगी, ऑनरोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है एक तरीके से। एंड 160 लेंगे तो उसमें भाई क्या है, मेंटेनेंस वगैरह और माइलेज ज़्यादा देगी, मेंटेनेंस कम है। इसमें जाते हैं तो इसमें पावर फिगर आपको थोड़ा ज़्यादा देखने मिल जाता है, इनिशियल या टॉप एंड वगैरह ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा सा आपको चलाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, तो ये सब चीज़ इसमें है। बाकी यहाँ पे टायर प्रोफाइल वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे आप फ्रंट या रियर की बात करेंगे, तो ये सब बात है भाई। बाकी गाइस होप करता हूँ सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करेगा, चैनल पे नए इसको सब्सक्राइब करेगा, ऐसी बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन में पाने के लिए मिलता होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।